तो अभी हमें पता है कि डिसोसिएशन के बेस पे हम लोग ने एसिड को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में क्लासिफाई किया हुआ था, राइट। तो अभी हमें पता है कि जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, राइट। वाटर ले लो या कोई भी सॉल्यूशन है, जहां पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो अभी अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे तो उसकी कोई तो वैल्यू होगी, राइट। हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था, वैसे ही यहां पे हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले कंसीडर कर लो, चलो कोई भी एक आप वीक एसिड पकड़ लो पहले, ठीक है। कोई भी वीक एसिड ले लो, HA, बुक में HA दिया हुआ है। अगर मैं आपको नॉर्मली अगर बताना चाहूँ, आप HCl कंसिडर कर सकते हो, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने एक बार HA हमारा कंसिडर कर लो कि ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। HA है, आपने HA लिया, HA लेके आप क्या करोगे, जो भी हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें आप डालोगे HA। 100 mg HA था, 100 g HG था, 50 डिसोशिएट हुआ, 50 ही डिसोशिएट हुआ, किसमें, H+ और A- में, ठीक है। तो ये एग्जाम ये कैसे होगा, ये कब होगा, HA लिया हम लोग ने, आपने डाल दिया, एक इक्विलिब्रियम जो भी कंडीशन है वो फॉर्म होगी, वो फॉर्म होने के बाद क्या बनेगा, H+ बनेगा प्लस A- बनेगा, दो चीजें हमें मिलेगी। ये किस मीडियम में हो रहा है, एक्वियस मीडियम में हो रहा है। फ्रेंड जब भी आप डेरिवेशन लिखेंगे तो उसमें या फिर कोई भी रिएक्शन अगर मेंशन कर रहे हो, और वहां पे अगर आप स्टेट कर रहे हो कोई भी मीडियम, तो वो रिएक्टेंट या जो भी आप प्रोडक्ट मेंशन कर रहे हो ना, उनके नीचे वो आना ही चाहिए मीडियम। एक्वियस है, यहाँ पे एक्वियस मेंशन कर दिया। अभी देखो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो है उसको नॉर्मली डिनोट किया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से। अगर वो एसिड है तो के ए, अगर वो बेस है तो के बी, इससे आप डिनोट कर सकते हो। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों ने के ए लिया है, जो हमारा वीक एसिड के लिए है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है आपको। अभी देखो यहां पे अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 100 में से आधा ही डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। ये क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कितना अमाउंट का प्रोडक्ट आप डाल रहे हो, रिएक्टेंट डाल रहे हो या जो भी सब्सटेंस है, कितने अमाउंट का है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, डिवाइड बाय टोटल, या फिर ऐसा बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो ये दो चीजों को आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। अभी हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, देखो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट जो लिखा जाता है ना, एक बार मैं आपको देखो यहां पे पूरा लिख रहा हूं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए क्या है हमारा, वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करने के लिए हमेशा ये ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, एच आ जाएगा, H+ इंटू A-, ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है ना, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी कंप्लीट रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या था हमारा, HA था, तो इस तरीके से हमें डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट A मिल गया, के ए मिल गया, जो कि ये था। अभी सेकेंड अगर हम लोग सेम ले लेंगे बेस के लिए, तो इसमें भी कंसिडर कर लो, अगर हमने लिया AOH लिया है, ठीक है,
तो यहां पे अगर जब आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ओ एच माइनस मिलेगा। सही है, ये भी हमारा किस में हो रहा है, एक्वियस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर सेम हम ले लेंगे, क्या किया हम लोग ने, ये रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या रहेगा हमारा, केबी, है ना। तो केबी का सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां पे हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है, सेम हमारा AOH। तो ये तो हमारे ना, इनको आपको याद रखना, ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपको याद रखो, ये आगे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। देखो यहां पे आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है ना, वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमें किस तरह से हम लोग इसमें प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं सकते एच प्लस इंटू ये ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये इक्वेशन हमें इसी तरह से ही प्रेजेंट करना है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना वो किस तरीके से बन रहे हैं, क्या डिसोसिएशन हो रहा है, और एक चीज कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा जनरली दिया जाता है ना, सी विल बी मोल अपॉन वॉल्यूम रहता है, हमेशा याद रखना आप, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, सी कॉन्सेंट्रेशन, सी अगर हमारा दिया रहेगा तो मोल बाय मोल अपॉन वी रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो चीजें थी ये हमने इसके अंदर देख लिया है, जिसके अंदर डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का जो मेन जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ना, वो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आगे बहुत काम आने वाला है, हम लोग इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो ये के ए और के बी, ये दोनों का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये के ए का फॉर्मूला रहेगा और वो के बी का। के ए मतलब कौन सा हो गया हमारा, वीक एसिड और वो वीक बेस, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वीक फोर वीक वीक एसिड और वीक बेस आपको ध्यान में आ गया होगा, बहुत आसान है। बुक में क्या हुआ है कि डायरेक्टली रिएक्शन के बाद में ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डिसोसिएशन कॉन्सेंट। ऊपर क्या देते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बुक में से जो दिया है ना वो डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन दिया है उसको आप ऐसे समझ लो कि बीच में ये वाली चीज आती है जो शायद बुक में उन्होंने स्किप की है, बट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्यों ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शियल होता है और पार्शियल को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। ओके, सो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो।